भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी ने आज के ही दिन 2004 में अपना डेब्यू किया था। बांग्लादेश के खिलाफ उस मैच में एमएस धोनी जीरो पर आउट हो गए थे। कैफ से तालमेल की कमी के कारण वो रन आउट हो गए थे। कैफ ने उस मुकाबले में 111 गेंदों पर 80 रन बनाए थे और भारतीय टीम ने वो मुकाबला जीत लिया था। एमएस धोनी के डेब्यू के 16 साल बाद मोहम्मद कैफ ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार धोनी को देखा तो उनके दिमाग में क्या आया था। उन्होंने कहा कि पहली बार जब मैंने धोनी को देखा था तो उस वक्त मैं दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन का कैप्टन था। एमएस धोनी उस वक्त ईस्ट जोन के लिए खेल रहे थे। वो उस मैच में कप्तान के तौर पर नहीं बल्कि विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने इंडिया ए के साथ भी टूर किया था। कैफ ने आगे बताया कि मैच से पहले एक दोस्त ने उन्हें एमएस धोनी के बारे में बताया था और कहा था कि तुम्हें उसकी बैटिंग देखनी चाहिए। कैफ ने कहा कि लखनऊ में मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे बताया कि कैफ एक प्लेयर है, उसे देखना, उसके बाल लंबे हैं और जिस तरीके से वो छक्के मारता है वैसे छक्के लगाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। हम लोग जो भी उस वक्त खेल रहे थे, मैंने, जहीर खान, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग, किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह के भारतीय टीम को कप्तानी कर सकते हैं और भारतीय टीम को इतनी सफलता दिला सकते हैं। मोहम्मद कैफ ने साफ कहा कि धोनी पहले बहुत शांत स्वभाव के रहते थे लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गेम को समझा और गेम को आगे लेकर गए ये वाकई में काबिले तारीफ। यही वजह है कि उन्हें इतनी सक्सेस मिली और वो भारत के सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में से एक शुमार किए गए। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।